वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट नगर मुख्यालय में कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई में पढ़ने वाली एक नौवीं क्लास की छात्रा एलेग्रा सयाम को अपने पिता से हॉस्टल में दिया जाने वाला भोजन की खराब गुणवत्ता की शिकायत करना महंगा पड़ गया। बौकलाए हॉस्टल अधीक्षक और प्रिंसिपल ने इस शिकायत से खफा होकर उक्त छात्रा को स्कूल और छात्रावास से निकालते हुए उसे TC थमा दी तथा उस पर लिख दिया कि उसके पिता का आचरण शिक्षकों के लिए अच्छा नहीं है। मामला आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालाघाट में गोंगलई कन्या छात्रावास परिसर का है, जहां बिरसा तहसील के ग्राम अंडी टोला निवासी उक्त आदिवासी छात्रा कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई में रहकर कन्या शासकीय स्कूल में पढ़ रही है। छात्रा को शिक्षा फीस जमा करने को कहा गया। जब छात्रा ने फीस जमा करने की बात अपने पिता तक पहुंचाई, तो उसके पिता सुखलाल सयाम गांव से शहर फीस जमा करने बालाघाट आए। यहां आकर उन्हें पता चला कि अभी ऐसी कोई फीस जमा करने के आदेश नहीं आए हैं। इसके बाद छात्रा ने हॉस्टल में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की खराब गुणवत्ता एवं गंदगी तथा यहाँ का भोजन खाने से कई बार छात्राओं के बीमार पड़ जाने के बारे में अपने पिता को बताया। छात्रा के पिता द्वारा इस विषय में हॉस्टल अधीक्षक से चर्चा की गई। इस बात से नाराज होकर हॉस्टल अधीक्षक ने छात्रा की TC स्थानांतरण पत्र ही उनके हाथ में थमा दिया और TC पर लिख दिया कि पालक द्वारा प्रबंधक समिति से अभद्रता की गई है। बच्चों की शिकायत पर शिक्षक से चर्चा की गई तो शिक्षक ने कहा कि अभद्रता है, यह तो स्वयं हॉस्टल अधीक्षक ही बता सकते हैं। फिलहाल इस मामले की शिकायत पीड़ित पालक द्वारा जिला कलेक्टर से करने की बात कही गई है, क्योंकि इस मामले में संज्ञान लेने से आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त ने साफ इनकार कर दिया है। एक सवाल यह भी है कि जब यहाँ अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा फीस जमा करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुए, तो फिर हॉस्टल अधीक्षक छात्राओं से फीस जमा करने क्यों कह रहे हैं। हालांकि बालाघाट जिले के हॉस्टलों में विद्यार्थियों के लिए बनने वाले भोजन एवं यहाँ की साफ सफाई को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। क्या नाम बेटा आपका? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हॉस्टल भी वही है आपका? चलिए, आपको वहाँ भोजन क्या क्या दिया जाता है? तो जो वहाँ जो खाना बनता था वो आपको पसंद आता था नहीं आता था? कैसा रहता था वहाँ का खाना? अच्छा, वहाँ का खाना खाने के बाद तबीयत खराब होती थी? हॉस्टल में गंदगी भी बहुत रहती है? हॉस्टल में गंदगी, जहाँ पर खाना बनाते हैं वहाँ पे भी गंदगी ज़्यादा है? तो ये शिकायत आपने अपने पापा से करी है ना, और इसी वजह से आपको TC दे दी गई। और कोई परेशानी बेटा? हाँ बताइए, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह सयाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अंडी टोला पोस्ट करूँ, थाना मलाजखंड, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश का निवासी। बताइए क्या समस्या आपके साथ में क्या हुआ? एक बेटी है अलेग्रा सयाम जी, जो यहाँ पर शासकीय कन्या परिसर गोंगलई बालाघाट में अध्ययनरत थी कक्षा 9 में। प्रचार के माध्यम से मुझे फीस के संबंध में जानकारी लेनी थी, उसी के संबंध में प्रचार से मेरी बात हुई और प्रचार ने मुझे इसी तरह से व्यवस्था करके मुझे मेरी बच्ची की TC देकर मुझे जाने को कह दी। बस यही मेरी। क्यों TC जाने को, क्या क्या मामला है पूरा? क्योंकि उसमें फीस से संबंधित जानकारी लेना था मेरे को, पर फीस की जानकारी, फीस का आदेश तो उनके पास था ही नहीं। अच्छा, और आपको फीस, आपको फीस चुकाने के लिए बुला लिया गया। अच्छा, कितनी फीस मांग रहे थे आपसे? फीस तो वही 300 से 400 तकरीबन था, ऐसे बच्चे ने बताया था मेरे को, पर वो उनको भी कन्फर्म मालूम नहीं था। कुछ वहाँ की जो भोजन व्यवस्था को लेकर आपसे कुछ भोजन की व्यवस्था के बारे में बच्चे से पूछा था, तो एक दो दिन में दाल लौकी चल रहा है, कुंदरू वगैरह ऐसे और कुछ सब्जी है, ये बात से मैंने उनसे अपनी बात रखा तो प्रिंसिपल ने मेरे साथ अभद्रता के साथ कहा कि 2011 से हम क्या मिलेगा, जो मिलता है उसी को, उसी से आपकी बच्ची खुश रहे, उसी से पढ़ाई कर, और नहीं तो फिर आप अपना कोई व्यवस्था दे सकते हैं। इस तरह कोई डोंगरे हैं जो हॉस्टल वाले हैं? हाँ, उनका क्या नाम है हॉस्टल वालों का, अधीक्षक का? अधीक्षक का नाम तो नहीं मालूम, सरनेम है, गणवीर क्या है। अच्छा, उन्हीं से आपकी जो चर्चा हुई थी? हाँ, मैं उनसे बात किया था फ़ोन में, मैडम बच्चे को, बच्चे से बात करना था, बच्चे से बात बात तो नहीं करवाए उन्होंने, उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं, फ़ोन में एक दो बार बात की, उसके बाद उन्हें बांटते रहे।
बच्ची को हॉस्टल से निकाले कि स्कूल से? स्कूल और हॉस्टल दोनों से निकाल दिए ना। सिर्फ इसी कारण निकाले कि आपने सिर्फ भोजन के लिए चर्चा की थी उनसे कि भोजन जो है वो बच्चों की रुचि के अनुसार दिया जाए, उसमें क्वालिटी हो। ये तो मेरा दायित्व है ना कि मेरे बच्चे जब वहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं भोजन के बारे में पूछूँ ना, मेरा तो फर्ज बनता है ना। अच्छा, इतने पूछने में उन्होंने आपके टीसी देते हुए उसमें टिप लिख दिया है? तुरंत एक दिन बाद नोटिस जारी कर दिया। अच्छा, नोटिस जारी किया। तो नोटिस में ये लिखा गया कि भाई आप इस तरह से, मैंने बोला मैडम ये जब मैं किया नहीं हूँ तो फिर मैं साइन क्यों कर, मैं गुनाह किया नहीं तो कबूल कैसा कर। इसी बात को तुमने फिर कहा भाई आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप साइन करो या फिर आप स्कूल से रिस्टिकेट किए जाओ। मैंने सोचा शायद स्कूल से जाना ही बेहतर है। टीसी जब मुझे प्राप्त हुआ उसमें शिक्षकों के साथ अभद्रता शब्द का भी इस्तेमाल किया, उससे मैं खता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई इस तरह से होगी तो मैं बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाऊँ। इसी बात को लेकर इसी कारण आपको टीसी थमा दी गई आपकी? जी हाँ। क्या नाम आपका पूरा? नाम राजेंद्र सिंह सैया। हाँ, रेट ग्राम अंडी टोला पोस्ट का रूम थाना मलाजगढ़ तहसील बिरसा जिला बालाघाट मध्य।